খেলা অনেক ভালো হতে পারে এখানে আশা করা যায়। कोई भी टीम टेक्निकल जॉब पर टीम के साथ उनका भिड़ंत हुआ था तो खेल जो है शून्य शून्य की बराबरी पर छूटी थी, मगर आज टीम के कप्तान की उम्मीद है शांति भोज शांति की कि उनके टीम के खिलाड़ी निश्चित तौर पर इस मैच में गोल और अब एक अलग चक्र में आ चुकी है दोनों ही दल। पहला पड़ाव जो है पार कर चुकी है दोनों ही दल, दूसरे पड़ाव पर कदम रखी है, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, और यूं ही सफर को अगर जारी रखे तो मंदिर तक पहुंचने में बहुत ही लाइट रन जीतने के बाद छलांग लगाकर गेंद को रोकने में सफल हुए शिव उदानंद एकादश के गोल रक्षक उदय। तो इस तरह का नजारा बहुत कम देखने को मिलता है, अगर चंद मिनट के लिए भी पलक झपकी तो इस तरह का नजारा जो है आंखों से उजर हो जाती है। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन दोनों ही टीमों की ओर से, सिलेक्शन हो रहा अवसर शांति बॉयज क्लब सांची के लिए पांच खिलाड़ियों के बीच एक दीवार बनती हुई, क्या इस दीवार को खेद कर खेल को गोल जाल तक स्पष्ट कर पाएगी शांति बॉयज क्लब सांची के खिलाड़ी। कई सारे फुटबॉल फैंस, कई समर्थक, दोनों दलों में कौन विजेता बनेगा विजेता कॉन्टेस्ट के लिए दाव लगा चुकी है। बहुत ही ज्यादा प्रयास है यहां पर, मगर गेंद को रोकने में सफल हुए, क्षमा चाहे खिलाड़ी को रोकने में सफल हो चुके हैं मगर गलत तरीके से। दूसरा फाउल किक मिलेगा यहां पर शांति बॉयज क्लब सांची टीम को, बहुत ही खराब प्रयास जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इसको एक अनुभवी खिलाड़ी है मगर कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इस तरह के जब मौके मिले तो प्रयास करने चाहिए कि टारगेट पर रखा जाए। धीरे धीरे दर्शकों में इजाफा होता हुआ, फर्स्ट हाफ में खेतीबाड़ी के काम में व्यस्त थे और सेकेंड हाफ में अब उस समय इस मैदान पर बिताना चाहेंगे।
दो अलग अलग स्टेट की टीम नजर आ रही है मैदान पर, दोनों ही दलों के खिलाड़ियों की शैली जो है बिल्कुल अलग अलग।